गुड मॉर्निंग, स्वागत करता हूं आपका नए ब्लॉग में। मैं हूं नागालैंड में और मैं चर्च के गेस्ट हाउस में अभी तक रुका हुआ हूं और यहां से अब मैं निकलूंगा कोहिमा के लिए। सुबह से मैं चर्च में था, अभी वैसे गुड आफ्टरनून हो गया है। सुबह से चर्च में सर्विस अटेंड कर रहा था, बहुत अच्छी सर्विस थी। अटेंड करने के बाद अब ऐसा फील हुआ कि अब यहाँ से निकलना चाहिए, ज़्यादा देर रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम स्पेंड हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मिलता हूँ आपको रास्ते में। देखो इस मार्केट में कुछ खुला है नहीं ना, सब बंद है। मेडिकल भी बंद है नहीं, मेडिकल खुला है, वहाँ भी सब बंद है। मुझे ये लगा देख के टायर का दुकान है, बट ये टायर का ही बना हुआ है। हाँ टायर का ही बना हुआ है सब कुछ। बाल्टी है और वो बड़ा वाला ढोंगा होता है ना पानी वानी रखने का, वो था, लेकिन मेरे यूज़ से नहीं था। मुझे लगा ना हवा डालने वाला होगा, मैंने अभी क्लोज से देखा तो पता चला है तो कुछ और ही है। एक्चुअली बाइक में आपको पता है मेरा आगे का जो बाइक का टायर है वो ख़राब हो रखा है, पंक्चर पे पंक्चर है, इसीलिए वो हवा निकलता रहता है। तो मुझे हवा डलवाना है। रास्ते में कहीं मिल नहीं रहा कुछ, आज बंद है। हाईवे पे पहुंचने के बाद टायर दिख जाए कोई पंक्चर वाला दुकान। पहुंच गया हूँ कोहिमा के अंदर और ये कोहिमा का गेट है, एंट्री गेट। कोहिमा टाउन यहाँ से 4.4 किलोमीटर है। बहुत ठंड है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा। लास्ट ऑन सेंसी रोड, मैंने डायरेक्शन लगा रखा है मोबाइल के अंदर और हेडफोन लगा रखा है। डायरेक्शन में बोलता रहता है कौन से रोड पे कहाँ पे जाना है, लेफ्ट जाना है राइट जाना है, बस उसी को फॉलो करता हूँ। यहाँ पे लगाने के लिए ना दिक्कत रहता है। कह रहा है टर्न लेफ्ट, यहाँ तो टर्न लेफ्ट का तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। अच्छा हाँ ये है, बिल्कुल सही बता रहा है टर्न लेफ्ट। मुझे लगा कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया मैं। कोहिमा शहर देखो कितना अच्छा है, ऐसे पहाड़ों में ऐसा ही होता है। आप अभी 180 डिग्री का कैमरा देख रहे हैं, बोले तो मैप देख रहे हैं कोहिमा रोड का। काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई, अब तो इस ग्लव्स में काम नहीं चलेगा, हाथ पे टूट चुका है पूरा। अभी उन दोनों बाइकर से मिलना है। आज सुबह से खाने के लिए टाइम ही नहीं मिला, सिर्फ ड्राइविंग करते रह गया। अब जा रहा हूँ मैं केएफसी की ओर, यहाँ पे केएफसी है पास में, 600 मीटर में है यहाँ से डेस्टिनेशन केएफसी का, राइट साइड में, जो कि मैं आपने मुझे पहले बता दिया। पहले कुछ खाते हैं और उसके बाद दिमाग की बत्ती जलेगी, फिर सोचेंगे क्या करना है, आज रात को किधर रुकना है। डेस्टिनेशन ऑन योर राइट, केएफसी राइट, ओके। पार्किंग किधर करें? ओहो तो गाड़ियाँ लगी हुई हैं। यहाँ सही है, चलते हैं कि आप से ऑर्डर करते हैं। प्लीज वेयर मास्क। कैन आई हैव वन हॉट क्रिस्पी राइस मिल? नो राइस। क्या अवेलेबल होगा? राइस है ही नहीं, क्या होगा अवेलेबल? सॉरी कौन कौन सा चिकन है? क्लासिक सिंगर, डॉक्टर सिंगर,
ये क्लासिक जिंगर वेज है नॉन वेज है? नॉन वेज नॉन वेज ही होगा, वेज ही होगा। क्या 159 में क्या होता है, 258 में क्या होता है? नॉन वेज है। और 258 में क्या होता है? 258 में क्या होता है? 258 में चिकन ये है ना क्लासिक जिंगर, ये तो मील है आपका। मील में क्या क्या होता है? पेप्सी फ्राइज आएगा। अच्छा नहीं, उसको कैंसिल कर दो, तंदूरी जिंगर दे दो। तंदूरी जिंगर